ये गेम है 1956 की उपसाला में खेला गया था, बोरिस्लाव इवकोव और मिखाइल ताल के बीच में। मिखाइल ताल यहाँ पे वाइट पीसेस के साथ हैं, तो वहीं बोरिस्लाव इवकोव ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे थे। e4 के साथ ताल ने शुरुआत की है, कुछ सिमेट्रिकल वेरिएशन टाइप का कुछ इवकोव ने भी चला है। दोनों ही खिलाड़ी नाइट को निकालते हुए, और ये रुई लोपेस ओपनिंग ताल द्वारा बिशप को खसका लिया है अटैक होने पर। कैसलिंग कर ली है ताल ने अभी, और वही करने वाले हैं इवकोव भी। बिशप के पीछे पड़ रहे हैं इवकोव। क्या करेंगे मिखाइल ताल? क्या इस बिशप को दे देंगे नाइट के बदले? फिलहाल मिखाइल ताल ने ऐसा नहीं किया। सेंटर को खोलने की चेष्टा है ताल की। और ये नाइट को मूव करने की कोशिश, कुछ ना कुछ अटैक ताल सोच ही रहे हैं। नाइट पर अटैक, नाइट एक्सचेंज ऑफर कंप्लीट करते हुए मिखाइल ताल बिशप पेयर आने वाले समय में ताल की बड़ी ताकत बनेंगे, और इवकोव के लिए सरदर्द। रुक पर अटैक, ताल बचाएंगे इस रुक को? फिलहाल तो उन्होंने रुक को कहीं ऐसे स्क्वायर पर ले गए हैं जिसका तात्पर्य अभी समझ पाना बहुत ही कठिन लग रहा है। नाइट पर अटैक, ये क्या? नाइट को बचाने के बदले इवकोफ ने यहाँ पर एक पॉन लिया है। ऐसा क्यों ही किया है उन्होंने? और मिखाइल ताल भी इस नाइट को ले नहीं रहे। क्या राज छुपा हुआ है इसके पीछे? क्या आप ढूंढ पा रहे हैं उस राज को? पॉज करिए वीडियो और खोजने की कोशिश कीजिएगा। अब जाकर नाइट को बचाया है, तो मिखाइल ताल खतरनाक अटैक लगाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और इस तरह से तैयारी की है कि चेकमेट तक तो रोकना काफ़ी मुश्किल रहेगा। कुछ जुगाड़ अभी के लिए लग चुका है, सुरक्षित है अभी फिलहाल तो राजा। लेकिन मिखाइल ताल से कितनी देर तक बचेंगे इवकोफ? और एक क्वीन पर सीधा निशाना, कहाँ लेकर जाएंगे अपनी क्वीन को इवकोफ? ये देखिए, मिखाइल ताल तो इस क्वीन का पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। नाइट पर अटैक, गौर नहीं किया इवकोव ने। पॉन पर नज़र गड़ाई, पर पॉन ले भी तो नहीं सकते वो अभी। खुलवा लिए मिखाइल ताल जी फाइल, और इससे उनको क्या मिलेगा? मिला ये कि इवकोव ने रिजाइन कर दिया। आखिर रिजाइन क्यों किया होगा? अब खुद इसका आकलन करने की कोशिश कीजिए। अभी फिलहाल मूव तो है ब्लैक का, तो ब्लैक क्या करेगा? सबसे ज़्यादा फायदेमंद चाल तो यही नज़र आती है। तो मिखाइल ताल इसके बदले क्या करेंगे फिर? मिखाइल ताल इस नाइट, इस बिशप को ले सकते हैं। उसके बाद
रुक पर अटैक बना हुआ है कब से, तो रुक को पीछे लिया जाएगा। इतने में मिखाइल तालिक चेक देने वाले हैं, राजा को चेक है। बीच में कुछ लाया जा सकता है नहीं, तो राजा को कहीं लेके जाना होगा। राजा यहाँ जाएगा या फिर कोने में? अगर इस तरफ जाता है तो मिखाइल तालिक यहाँ पर एक चाल चलने वाले हैं, और वो चाल होगी इस पॉन को बढ़ाने की। अब देखिए स्थिति, इस राजा की बड़ी दयनीय स्थिति है, कहीं भी जा नहीं सकता, एकदम स्टेलमेट कंडीशन। कुछ ऐसा अगर भी हो भी जाए तब भी क्या फ़ायदा? पहले तो एक चेक आएगा, राजा घुसेगा अंदर, उसके बाद ये लिया जाएगा, फिर कुछ भी चल दें, मान लो स्पॉन कोई बढ़ा दें तब भी क्या फ़ायदा? एक चेक आने वाला है, राजा घुसेगा यहाँ, फिर एक चेक आने वाला है। कहाँ जाएंगे फिर? कहीं जगह नहीं। कई सारे तरीके आजमाने के बाद, सोचने के बाद, बोरिस्लाव इवकोफ ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। अब वो पज़ल, एक तरह का जो शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर मिखाइल ताल को जब मौका मिला, बोरिस्लाव इवकोफ को जब मौका मिला कि वो अपने नाइट को बचा लें, उन्होंने एक पॉन लिया, तो मिखाइल ताल ने इस नाइट को क्यों नहीं लिया, अपने क्वीन को क्यों मूव किया? वो इसलिए क्योंकि अगर मिखाइल ताल इस नाइट को लेते तो बोरिस्लाव इवकोफ भी इस बिशप को ले लेते। और आप स्थिति देखिए, मिखाइल ताल के ये दो रुक्स जो कि ए5